राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और उससे होने वाले मृत्यु दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पटना का केवल बांसघाट सौदागृह काम कर रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में खबर चलने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसका निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि पटना के सिर्फ बांसघाट सौदागृह ही काम कर रहा है, जिसके कारण भीड़ में बढ़ोतरी हुई है। ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागरी हैं वो ख़राब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि जो 3 अतिरिक्त सौदागरी मशीन खराब है उसे चालू करने का आदेश दे दिया है। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था, अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया, जिसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है, हम लोग उसको नज़र रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो। आंखें न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।